हिस्से में अनचाहा वनवास रहा हो, वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा हो, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा हो। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा हो, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा हो। इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो, इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो। इतनी चोटे सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा हो, इतनी चोटे सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा हो। जाने किसकी नजर लगी थी, जाने किसकी नजर लगी थी कितनी पावन रही अयोध्या, जाने किसकी नजर लगी थी कितनी पावन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। तो अयोध्या भागन रही क्यों, चाहे त्रेता युग में हो और चाहे इस युग में हो, थोड़ा सा ध्यान चाहता हूं। आदरणीय सर जी बैठे हैं, अतिवादों ने सच्चाई की अनुनय विनय कभी ना मानी, अतिवादों ने सच्चाई की अनुनय विनय कभी ना मानी, वर्षों तक चलती आई फिर सही गलत में खींचा तानी। अतिवादों ने सच्चाई की अनुनय विनय कभी ना मानी, वर्षों तक चलती आई फिर सही गलत में खींचा तानी। सही बात सहमी रहती थी चिल्लाती थी गलत बयानी, जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी, जाने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। राजनीति के काले मन का, राजनीति के काले मन का उजला दर्पण रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। लेकिन अयोध्या चाहती क्या थी? हमारे यहाँ जमुना प्रसाद उपाध्याय हुए, उन्होंने कहा कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वही मंदिर व मस्जिद में सदा गमगीन रहते हैं, और अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल व शहाबुद्दीन रहते हैं। क्या बात है, वाह। उस पूरे दौरान अयोध्या का क्या मन था सुनिएगा, मंच का भी आशीर्वाद है। पुरखों से सुनते आए है बड़ी अभागन रही अयोध्या, जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं, जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं, सुनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं, जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं, सुनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। संघर्षों की कालिख वाले किससे बीता कल हो जाएं, और अगली पंक्ति पे आपके हाथ उठे कि संघर्षों की कालिख वाले किससे बीता कल हो जाएं, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं। क्या बात है, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए। बिना राम की राम कहानी, बिना राम की राम कहानी सुनती बेमन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। तो अयोध्या भागन रही क्यों, कोई एक ठीक ठीक कारण मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जो तीन चार बातें आई सामने वो मैं आपके समक्ष रख देता हूँ, सुनिए। स्वागत है भैया। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है, क्या बात, कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है, दो जोड़ी बूढ़ी आ
लाखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है। कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है। दो जोड़ी बूढ़ी आँखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है। सूरज को जन्मा था शायद इसीलिए ये ताप लगा है। सूरज को जन्मा है शायद इसीलिए ये ताप लगा है। कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा। क्या बात है, वाह। कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है। कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है। युगों युगों तपती ही आई, युगों युगों तपती ही आई, जैसे कुंदन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही है। बदलू